धोरण छ गुजराती प्रकरण दस आला लीला वासड़िया। आ एक लोकगीत छे। लोकगीत ना कोई लेखक होता नथी, परंतु घणा बधा लोको द्वारा मळीने बनावामां आवेलू होय छे, जे लोको द्वारा केटलाक प्रसंगो समये गावामां आवे छे। आ जे लोकगीत छे ते श्री कृष्ण माटे जे भक्ति भाव छे ते ध्यानमां राखीने बनावामां आवेल छे। ज्यारे श्री कृष्णना कोई पण प्रसंगो आपणे उजवता होईए छीए त्यारे आवा लोकगीतने गावामां आवे छे। आवा लोकगीत पेढ़ी दर पेढ़ी अने स्तर दर स्तर पसार थता रहे छे। तो आ लोकगीत ए लोकोनी श्री कृष्ण प्रत्ये भक्ति भाव केवो छे अने तेओ तेमना माटे शुं करवा मांगे छे ते दर्शावे छे। चालो आपणे आ गीतनो आनंद माणीए। आला लीला वासड़िया। अहीं कवि आ लोकगीत द्वारा भक्तो पोताना श्री कृष्ण माटे शुं बनावा मांगे छे ते जणावामां आव्युं छे। आला लीला वासड़िया रे वढ़ाऊ एनी रे उतराऊ रे प्रभुजीनी वासड़ी रे लोल। आला लीला एटले आछी भीनाश धरावतुं, एटले पूरेपूर रीते पाका नहीं थयेला, वासड़िया एटले वास। तो अहीं भक्तो पोताना श्री कृष्ण माटे जंगल माथी आला लीला एटले के आछी भीनाश धरावता वास वढ़ावानो एटले के कापी लावानो कहे छे। अने तेमाथी प्रभुजी माटे, प्रभुजी एटले श्री कृष्ण माटे वासड़ी बनावानो कही रह्या छे। एटले अहीं भक्तो श्री कृष्ण माटे वासड़ी बनावानो कही रह्या छे, कारण के वासड़ी ए श्री कृष्णनी प्रिय वस्तु हती। हवे मात्र सामान्य वासड़ी बनावीने नथी आपी श्री कृष्ण ने, परंतु तेने सजावानी पण छे। अने तेना माटे ते शुं कहे छे, वासड़ी ए काई हंस पोपट ने मोर वासलड़ी वगाड़े रे नंदजीनो लाड़को रे लोल। एटले सामान्य वासड़ी नथी आपी, परंतु वासड़ी पर हंस पोपट अने मोर मुकवा छे। अने आ वासड़ी कोण वगाड़े छे? नंदजीनो लाड़को एटले के श्री कृष्ण भगवान। हवे आपणे जोईए के भक्तो हजु श्री कृष्णनी वासड़ी माटे शुं करवाना छीए। तमने पण गमे ने वासड़ी बनाववानुं अने तेने वगाड़वानुं? तो श्री कृष्णने तो आ वासड़ी खूब ज प्रिय हती, तेथी ज भक्तो तेमने राजी करवा माटे आवी वासड़ी बनावी रह्या छे। अने तेनुं ज वर्णन आपणे आ लोकगीतमां जोई रह्या छीए। चलो तो शुं कहे छे ए जोईए। वासड़ीए काई फूमता लटके चार आंगड़ीए अंगूठी ने अंगूठीमां हिरला ले लोल। एटले वासड़ीमां हंस पोपट अने मोर मुकवाथी तो ए सुंदर बने छे, पण तेने वधु सुंदर बनावा माटे भक्तो तेना पर फूमता लगाड़वा मांगे छे। चार फूमता लगाड़वा छे अने आ वासड़ी ज्यारे श्री कृष्ण वगाड़शे त्यारे तेमना अंगूठीमां हिरला छे तेनी जोड़े चमकशे अने आ वासड़ी वधु सुंदर लागशे। आव्या आव्या ओतर दशना में पादरडा खेतरडा रे हरी केरा छली वड़िया रे लोल। ओतर दश एटले उत्तर दिशा। तो अहीं भक्तोए श्री कृष्ण माटे जे वासड़ी बनावी छे तेवी रीते श्री कृष्ण ने पण पोताना भक्तो प्रत्ये प्रेम होय छे, तेथी ज तेमने पोताना भक्तो पर दया करीने वरसाद लाव्यो छे। एटले ज अहीं कहे छे कि आव्या आव्या ओतर दशना में उत्तर दिशामांथी वरसाद आवी रह्यो छे, जेना लीधे पादरडा अने खेतरडा छली वड़िया एटले के उभराई गया छे, भराई गया छे पूरेपूरी रीते। पादरडा एटले पादर, जे आपणे पाछला प्रकरणमां जोई गया कि त्यां पाणी व्यवस्थित प्रमाणमां भराई गयुं छे, के जे लोको द्वारा उपयोग करवामां आवशे। अने खेतरडा एटले खेतर, खेतरमां पूरता प्रमाणमां पाक उगी गयो छे, जे श्री कृष्णनी मेहरबानी छे। खेतर ए काई झूली रह्या छे मोल, मोल एटले पाक। तो खेतरमां जे पाक झूली रह्यो छे मोले मोले गुंथी दीधा छे प्रभुजीए मोती डारे लोल। अने आ पाकना दरेक दुंडामां श्री कृष्ण भगवाने मोती जड़ी दीधा छे, एटले के अहीं आ जे पाकना दुंडा छे तेने मोती जोड़े सरखामणी करवामां आवी छे, कि ते लोको माटे मोती समान छे। जेम मोती किमती होय तेम पाकनुं दुंडुं पण किमती होय छे, जेमांथी अन्नना दाना निकळे छे। तो अहीं आ लोकगीतमां आपणे जोई शकीए छीए कई रीते भक्तोने श्री कृष्ण प्रत्ये
प्रेम छे अने ते तेमना माटे वांसडी बनावी रह्या छे, जेना बदलामां श्री कृष्ण पण पोताना भक्तोने सारू खानपान बक्षीने तेमनी सेवा करी रह्या छे। तो तमने आ काव्यमां जरूर समझ पड़ी हशे। तमे पण आ काव्य गाओ अने तेनु वर्गमां समूहगान करो। थैंक यू।